5 मार्च को यूजीसी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ यानी डूटा द्वारा विरोध लगातार जारी है। डूटा का साफ तौर पर कहना है कि नया रोस्टर अगर लागू हो जाता है तो एससी एसटी और दलित शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। यूजीसी की उच्च शिक्षा में आरक्षण समाप्त करने, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के अधिकार पर हमला, शिक्षकों के पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल करने की साजिश, स्थायी नियुक्तियों पर रोक आदि मुद्दों को लेकर डूटा ऐसे ही लड़ती रहेगी। कि उन सारा कुछ ध्यान में रख के ही डिसीजन होगा। डे आफ्टर टुमारो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है। कुछ आश्वासन हमको अगर मिल जाते हैं सरकार से कि हमारे जो इमीडिएटली जुलाई में एडहॉक्स करीब 4000 से ज्यादा एडहॉक्स, अगर ये रोस्टर ठीक नहीं किया गया तो ये निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है कि ये सब निकल जाएंगे क्योंकि रोस्टर बदल दिया है। हम चाहते हैं स्टेटस को रहे, पुराने रोस्टर से रीअपॉइंटमेंट हो और सही मायने में जो परमानेंट अपॉइंटमेंट्स भी जल्द से जल्द पुराने रोस्टर से चालू हों। और स्टूडेंट्स का हित हमारा शुरू से ही ध्यान में है। पूरा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो स्टूडेंट हित की लड़ाई है, क्योंकि कल को फीस जो बढ़ जाएगी ये भी साथ साथ लड़ाई हमारी चल रही है कि सेंट स्टीवंस हिंदू इनको ऑटोनमस बनाने वाले थे, आंदोलन की वजह से और स्टूडेंट्स के साथ की वजह से ये अभी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। कि डूटा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया और सभी ने डूटा के इस मुद्दे को देश का मुद्दा बताते हुए समर्थन देने की बात कही। देखिए, आम आदमी पार्टी डूटा की इन मांगों के पूरी तरह से साथ है, क्योंकि ये सिर्फ डीयूटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, ये देश भर के शिक्षण संस्थाओं का मुद्दा है। जिस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है, रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक लार्जर संदर्भ में देखने की बात है कि आज के दिन में बीजेपी की सरकार के तहत दलितों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे हम देख ही रहे हैं। एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट को अमेंड किया जा चुका है, उसको हम देख रहे हैं, और अब जिस तरह से रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड था यूनिवर्सिटीज़ में उसे भी नैरो करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक लार्जर दलित विरोधी पॉलिसी का बीजेपी की जो है उसका एक हिस्सा है। तो वहीं अपनी मांगों के चलते डीयू के टीचर्स ने पेपर चेक करने से इनकार कर दिया तो छात्र संगठन एबीवीपी इसका विरोध करते हुए नजर आए। तो यहाँ जो आप छात्र देख रहे हैं जो यहाँ इस वक्त सड़क पर बैठे हैं और हर किसी के हाथ में एक पोस्टर है जिसमें ये अपने टीचर से गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी मांगे मनवाने के लिए कम से कम उनके फ्यूचर को दाव पे ना लगाया जाए। एक तरफ डूटा अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, यूजीसी का विरोध कर रहा है, पेपर जो है चेक करने से उन्होंने रोक दिया है, इवैल्यूएशन के लिए वो मना कर रहा है और उसी का विरोध यहाँ बैठे एबीवीपी के तमाम छात्र कर रहे हैं। बहरहाल विरोध यूजीसी की उस पॉलिसी को लेकर है जिससे न सिर्फ शिक्षकों का बल्कि स्टूडेंट्स का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 महीनों से चल रही शिक्षकों की ये लड़ाई अब राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद कितनी जल्दी खत्म होगी, सबकी नजर इस पर। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।